के केआर है तैयार, लेकिन भाई पिछले महामुकाबले में मुंबई इंडियंस को मिली थी करारी हार, जिसके चलते इनकी प्लेइंग 11 से कुछ बड़े खिलाड़ी होंगे बाहर। लेकिन कौन होगा आज चेन्नई के चेपॉक में जीत का हकदार, जानेंगे इस वीडियो में। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2021 में आज का महामुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स और डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। काफी रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला है। आप सभी को पता है कि पिछले महामुकाबले में मुंबई इंडियंस को आरसीबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, वही दूसरी तरफ केकेआर को अपने पिछले मुकाबले में जीत मिली थी। लेकिन भाई इस मैच की शुरुआत से पहले यहां पर मुंबई इंडियंस को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि भाई इस मैच में हमें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में तीन बहुत ही बड़े और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और इस वीडियो में हम इन तीनों ही बदलाव के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप भी आईपीएल 2021 को एंजॉय कर रहे हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप आईपीएल 2021 से जुड़े सभी अपडेट्स और साथ ही साथ सभी मैचों की फैंटेसी टीम जानना चाहते हैं तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट इंडिया 0 सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको आईपीएल 2021 का हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं यहां पर मुंबई इंडियंस की। तो मैंने आप सभी को बताया कि भाई तीन बड़े बदलाव हमें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं, जहां पर पहला और सबसे बड़ा बदलाव हमें मुंबई इंडियंस की ओपनिंग में देखने को मिलेगा। जी हां, रिपोर्ट कुछ ऐसे निकल कर आ रही कि आज के महामुकाबले में क्वेंटम डी कोक हमें रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके चलते भाई क्रिस लिन के बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी छेड़छाड़ होगी। आप सभी को पता है कि भाई क्वेंटम डी कोक यहां पर अपना क्वारंटीन पीरियड खत्म कर चुके हैं और आज हिटमैन के साथ ओपनिंग करने उतरने वाले। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है किरण पोलार्ड को लेकर। जी हां, रिपोर्ट्स ऐसी कि भाई आज के महामुकाबले में किरण पोलार्ड को आराम पर रखा जा सकता है, क्योंकि भाई क्वेंटम डी कोक यहां पर वापसी कर रहे हैं और क्रिस लिन हमें नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले बदलाव की। तो यह बदलाव हमें मुंबई इंडियंस के बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकता है। आप सभी को पता है कि मुंबई इंडियंस यहां पर जीत के लिए हर भरपूर कोशिश करने वाला है, तो ऐसे में भाई यहां पर मार्को जेंसन को आराम देकर उनकी जगह पर प्लेइंग 11 में कुल्टर नाइल को शामिल किया जा सकता है। ये तीन बड़े बदलाव हमें यहां पर मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं। फटाफट मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो भाई एमआई की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे यहां पर क्वेंटम डी कोक के साथ रोहित शर्मा, नंबर 3 पर आएंगे यहां पर क्रिस लिन, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर ईशान किशन, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर कृणाल पांड्या, नंबर 8 पर नेथन कुल्टर नाइल या फिर मार्को जेंसन, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी खेलेगा। नंबर 9 पर हमें दिखेंगे राहुल चहर, नंबर 10 पर ट्रेंट बोल्ट और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह। तो भी कुछ ऐसी होने वाली इस मैच के लिए मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस मैच को, मुंबई इंडियंस या फिर केकेआर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।